Lucy B. But in fact, he's an extraordinary improviser. You know, I'm very pleased that we'd had quite a few years working together prior to that. I'm in that fuzzy picture. Understand the lyrics as we don't in English, or even as you think it's a love song about romantic love, the feeling, the Sufi feeling, is that you still get the message, and you will still be a bit closer to God and a more spiritual person just by listening to it, even though you don't understand it. Welcome to our channel Happy Life. उसका ताल्लुक तो कवाल घराने से ही था। उस जैसे कई नौजवानों को बचपन से ही सुर और ताल की तालीम दी जाती थी, वो चाहें या ना चाहें। लेकिन ये कम उम्र लड़का अपने सुरों की पुख्तगी और लय की उठान में इतनी महारत रखता था कि उसे सुनने वाले उसके सहर में खो जाते थे। अपना सब कुछ इसी फन पे निसार किया। मैंने बचपन में कोई ऐसी बच्चों वाली कोई हरकतें नहीं की, कुछ नहीं। मैंने कुछ खेल कूद, कुछ ऐसी पतंगबाजी या कोई ऐसी बात, सिर्फ मैंने गाना को अपना शौक बना लिया और मेहनत से लगन से गाना शुरू किया। और हर वक्त मैं गाता रहता था, वहीं सो जाता था, वहीं उठ के फिर रियाज शुरू कर देता था। उनके वालिद उस्ताद फतेह अली खान उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। किसी ने कहा कि अपना फ़न सिखा दें, तो जवाब दिया कि इसके गले में तो अच्छी आवाज़ ही नहीं है। मगर नुसरत की लगन का ये आलम था कि रियाज से अपने सुरों को इतना पुख्ता कर लिया कि उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में आज तक गूंज रही है। बचपन में उनका नाम परवेज था और प्यार से उन्हें पेजी पुकारते थे। अपने नाम बदलने की कहानी सुनाते हुए एक दफ़ा उन्होंने बताया कि एक सूफी बुज़ुर्ग उनके वालिद के पास बैठे थे। वालिद ने उन्हें आवाज़ लगाई परवेज, तो सूफ़ी चौंके और कहा कि फ़ौरन इसका नाम बदलें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के एक बादशाह को ख़त लिखा था और उसने वो ख़त फाड़ दिया था। उस बादशाह का नाम परवेज था। इसके बाद उन सूफ़ी ने नुसरत का नाम नुसरत अली रखा। फैसलाबाद के रहमत ग्रामोफोन के साथ उनके बचपन का ऐसा ताल्लुक़ था कि अपनी शुरू की तमाम एल्बम्स वहीं रिकॉर्ड करवाईं। रहमत ग्रामोफोन के मालिक असद ने अपने बचपन के वाकयात याद करते हुए बताया कि खान साहब की संगत देर से आती। खान साहब घंटों इंतज़ार में परेशान होते, मगर कभी किसी को डांटा ना नाराज़ हुए। उन्होंने एक और वाकया बताया कि इंडिया से एक मारूफ फनकार पाकिस्तान आए तो उस्ताद फतेह अली खान से शिकायत की कि यहाँ कोई अच्छा तबला नवाज नहीं जो उनकी संगत कर सके। उस्ताद फतेह अली ने 10 साल नुसरत को आगे किया और कहा कि आप इसे अपने साथ रख लें। फनकार ने हैरत और नागवारी से कहा, ये मोटू मेरे किस काम का। मगर जब तकरीब में परफॉर्म किया तो वो उस्ताद गाते गाते थक गए, मगर नुसरत की तबले की लय ना तो कम हुई ना वो थके, और सामईन से बेपनाह दाद हासिल की। खान साहब की संगत में प्रॉम्प्ट के फ़राइज़ अंजाम देने वाले इलियास हुसैन बताते हैं कि उनका घराना 3 नस्लों से खान साहब के घराने की खिदमत कर रहा है। खान साहब को हर कलाम अजबर होता। अमरीका में शो के दौरान एक मरतबा जानबूझकर इलियास हुसैन ने गलत शायरी बता दी तो खान साहब ने वो नहीं गाई और अलाप को लंबा कर दिया। जब दुरुस्त शायरी बताई तो खान साहब ने कवाली आगे बढ़ाई। शौकत खान एम फंड रेजिंग के लिए तमाम कॉन्सर्ट्स फ्री किए। और ये इमरान खान जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो इतना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ हर लम्हा शरीक हूँ और इनको जब भी मेरी ज़रूरत, जहाँ भी कहीं मेरी ज़रूरत होगी, मैं इनके साथ इंशाल्लाह कदम ब कदम साथ चलूँगा। ठीक है, ठीक है। दसो दसो दसो।
ठीक है, क्योंकि वक्त कम है इसलिए दो फरमाइशें हैं जनाब इमरान खान साहब की। एक तो है वो पहले हमने गाई थी अलीदा मलंग, मैं थे अलीदा मलंग, ये इनको बड़ी पसंद है, ये हर टूर में हमारे साथ ये इन्होंने ख़ास तौर पे फरमाइश करके हमें सुनी है, तो ये इनकी पेश खिदमत है। अपनी हस्ती भी वही करोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो, कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम उसे जंग के बेले में रुला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बर के तजल्दी से जला देते हो। तो चाहो तो सरे अर्श बुला कर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। यूरोप के दौरे के दौरान जब उन्होंने अल्लाहू गाया तो लोगों को समझ तो नहीं आया, मगर वो दीवानावार झूमते रहे और फ्रांस में उन्हें मिस्टर अल्लाहू का खिताब दिया गया। जब भी यहाँ आया हूँ वैनकूवर में जी, मुझे बहुत ही प्यार मिला, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मैं जैसे इंडिया पाकिस्तान में बैठा हूँ, ऐसा महसूस हुआ, इतने लोगों ने मोहब्बत की, इतना प्यार किया। अल्लाहू और हक अली अली ऐसे कलाम हैं कि जिन्हें गाते हुए खान साहब को खुद अपनी ही खबर ना रहती। जापान में फुकुहोको में परफॉर्म किया तो लोगों ने उन्हें उनके सुरों और मौसीकी के लिए सिंगिंग बुद्धा यानी मौसीकी के देवता का खिताब दिया। उनकी ज़ाहरी जसामत और गाने के अंदाज़ पर जापानी उन्हें बुद्धा से रिलेट करते, और जब भी वो कहीं परफॉर्म करने जाते हॉल में हाजरीन खड़े होकर एक मिनट की खामोशी इख्तियार करते। इतना वो सुनते हैं गौर से और शौक से, ज़ौक से, कि 3,000 सीट का हॉल एक एक महीना पहले फुल हो गया। तो वो लोग, और बल्कि वो कहते कि हम ऐसा ये महसूस होता जैसे ये आप हमसे हैं, जैसे हमारे देवता, जैसे वो इबादत करते थे। नफे की दुहाई में एक कॉन्सर्ट में उन्होंने मेरा पिया घर आया गाया तो गोरे भी झूमने लगे, एक खातून तो इतना मगन हो गई कि उनके पांवों से खून बहने लगा। बेपनाह शोहरत और पैसे के बावजूद खान साहब की सादगी और मासूमियत के अलग रंग थे। अपना पसंदीदा जहांगीर पुलाव खाने गए तो सब दोस्त खा के निकल गए और खान साहब को होटल वालों ने पकड़ लिया बिल पेमेंट के लिए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बड़ी बहन जिन्हें वो आपो जान कहते थे बताती हैं कि राजस्थान की एक लड़की ने जहेज की जगह खान साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनके मैनेजर लाखों रुपए डिमांड कर रहे थे, खान साहब को पता चला तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वो एक बेटी है, अगर उसकी ख्वाहिश है कि मैं उसकी शादी में जाऊं तो मैं ज़रूर जाऊंगा। ना सिर्फ ये कि उन्होंने पैसे नहीं लिए बल्कि उन्होंने शादी के तोहफे के तौर पर उसे 50,000 रुपये दिए। ख़वातीन की इज्जत और बेटियों से मोहब्बत का एक वाक़या ये भी है कि इंडिया के एक इलाके में प्रोग्राम में गैर शादीशुदा लड़कियों ने अपने बाल खोलकर ज़मीन पर बिछा कर बैठना था और खान साहब ने उसके ऊपर से गुजरना था, मगर खान साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हमारा एक गाना था, नुसरत फतेह अली खान ने गाया था, और उस लाइन पे जहाँ नुसरत साहब रोए थे और 1.5 घंटे तक वो लाइन वो गाते रहे, और जब वो लाइन आया और रोने लगे वो, मैं तेरी बाहों का झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। But when I heard Nusrat Sahab's voice, there was something which was very strangely connecting. खान साहब ने सुना और खान साहब से मिलने का जो एक, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी सादगी, दरिया दिली, और खान साहब का खाना तो मैं आपको क्या बताऊं, जो लाहौरी खाने थे, मैंने कहा मेरे बाजू में बैठे थे, बदकिस्मती कि उस वक्त कैमरे नहीं थे, मेरे पास तस्वीर नहीं है वो उतनी, तो मैंने कहा खान साहब ज़रा कंट्रोल कीजिए डायबिटीज़ है, अरे छोड़ो मैं भाई खा के तो मरना है, किसको देखना है, और भाई साहब चले जा रहे थे फिरनी और ये और वो वगैरह वगैरह। Da 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 da
मुश्किल गायकी है। खान साहब ने भी हमें यही शिक्षा दी कि सीधी सीधी गायकी, सूद गाना जो है, एक तो वो मुश्किल है और अगर देखें कैसी बात है कि मुश्किल चीज़ जो है वो ऑडियंस को समझ नहीं आती, मगर ये सीधा गाना जो है मुश्किल भी है और समझ भी आया करता है। खान साहब की इकलौती बेटी निदा, जो खान साहब के इंतकाल के वक्त महज 13 या 14 साल की थी, का कहना है कि लोग पूछते हैं कि मैं मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आती। मैं नहीं बता सकती कि मैं आज भी उस दुख की कैफियत से नहीं निकल सकी। बेटी से मोहब्बत का ये हाल था कि एक मरतबा बैरून मुल्क के दौरे से वापस आए तो निदा को गोद में बिठा कर कहा, अब हम अपनी बेटी के पास रहेंगे। निदा ने जब पूछा कि बाबा आप कितने दिन के लिए हमारे साथ हैं, तो खान साहब ज़ारो क़तार रोने लगे। अपनी बेटी से मोहब्बत का ये आलम था कि बैरून मुल्क से वापसी पर बेपनाह तहाइफ लाते। घर का मखसूस गोशा जो मर्दों के लिए मुख्तस था, बेटी चुपके से पर्दे के पीछे से अपने वालिद को देखती रहती। खान साहब जानते थे मगर कुछ नहीं कहते। उनके घराने की ख़वातीन नहीं गाती, मगर जब खान साहब रियाज़ करते तो निदा को अपने पास बिठाते और कभी कभी उसे गुनगुनाने को भी कहते। बेटी के रोने पर इतने परेशान हो जाते कि जब तक उसकी तकलीफ़ ख़त्म ना हो जाती, शो शुरू ना करते। निदा ने बताया कि खान साहब को पता नहीं किस बात की जल्दी थी, वो हर काम जल्दी करना चाहते थे। जब उनकी बेगम पूछती कि आपको खुदा ने इतनी शोहरत दी है, आपको जल्दी क्यों है, तो वो कहते कि अभी तुम लोगों को नहीं समझा सकता। निदा का कहना है कि उन्हें और उनकी वालदा को हमेशा दुख रहा कि खान साहब के आखिरी दौरे लंदन में वो उनके साथ क्यों नहीं थे। फैमिली को और ज्यादा नज़दीक कर दिया था। वो ये समझते थे कि ये मेरी बेटी और मेरी बीवी की किस्मत का अल्लाह ने मुझे ये सब दिया है। आपको इस बात ने उनको और ज्यादा नज़दीक कर दिया था। कभी कोई फिल्म देख ली, इंडियन फिल्में उन्हें बड़ी पसंद थी। कभी कोई फिल्म देखने के लिए बैठ जाते तो फिर मुझे भी साथ बच्ची को भी साथ बिठा के। नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसा मुनकसर मिजाज और सादा इंसान शख्स मुश्किल से ही इस दुनिया में मिलता है। उनकी मौसीकी को कई सदियों तक याद रखा जाएगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी लाइफ। I'm not afraid to die.